हाय एवरीवन, मैं हूँ रुपिंदर और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्वादिष्ट रसोई पर। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ। तो मैंने सोचा कि बहुत दिनों के बाद वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो क्यों ना कुछ मीठा शेयर किया जाए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चॉकलेट वॉलनट पुडिंग। एक बहुत ही ईजी और इंस्टेंटली बनने वाला डेजर्ट है ये। और दूसरी बात, मीठा तो सबका फेवरेट होता है, स्पेशली बच्चों का। तो जब आप अपने बच्चों के लिए ये रेसिपी बनाएंगी और उन्हें सरप्राइज़ देंगी, तो फिर देखना कैसे आपको बदले बहुत सारा प्यार मिलता है बच्चों से। तो आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं चॉकलेट और वॉलनट के कॉम्बिनेशन से एक बहुत ही टेस्टी डेजर्ट। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने एक पैन गैस के ऊपर रख लिया, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर गैस नहीं ऑन की। तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे 3/4 कप शुगर, और अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 कप कोकोआ पाउडर। कोकोआ पाउडर दो तरह के आते हैं, एक डार्क होता है, एक लाइट होता है। तो आप यहाँ पर डार्क वाला लें। और अब इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून मैदा, यहाँ पर यूज़ करेंगे हम 2 कप दूध। तो लेकिन पहले हम 1 कप ही डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे, क्योंकि जो कोकोआ पाउडर होता है ये बहुत लाइट होता है, तो ये जल्दी से घुलता नहीं है। तो इसको पहले आप अच्छे से हिला लें। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास मेजरिंग कप्स ना हो ना, तो आप अपने घर की कोई भी एक कटोरी या कप कोई भी ले लें, और आप जो भी मेजरमेंट्स होंगे आप उसी के अकॉर्डिंगली ले लेना। तो अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं, ताकि जो कोकोआ पाउडर है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से मिला लें इसको। थोड़ा घुलने के बाद अब इसमें हम दूसरा कप भी ऐड कर देते हैं दूध का, और अच्छे से मिलाते रहें ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और यहाँ पर जो गैस की फ्लेम है वो आप लो से मीडियम ही रखना, क्योंकि जो कोकोआ पाउडर है वो बहुत जल्दी नीचे लग भी जाता है। तो देखिए, 2-3 मिनट में ही ये जो कोकोआ पाउडर और दूध का जो घोल है ये थिक होना शुरू हो जाता है, और ये थिक हो रहा है तो इसको आप लगातार हिलाते रहें। और अब 4-5 मिनट में ये बहुत ही गाढ़ा हो गया, और कॉन्स्टेंटली आप इसे हिलाते रहें ताकि ये बिल्कुल चिपके ना बॉटम के साथ, क्योंकि अगर ये चिपक गया तो फिर जो हमारा कोकोआ ये जो चॉकलेट सिरप है इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि ये बिल्कुल बॉटम के साथ ना चिपके। और यहाँ पर आप गैस को जो है बिल्कुल स्लो कर दें। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच बटर के भी डाले थे, तो वो भी आप इसमें ज़रूर डालना। उसका वीडियो शूट नहीं हो पाया किसी वजह से, लेकिन आप वो बटर डालकर इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चॉकलेट सिरप रेडी होने के बाद हम इसे छान लेंगे एक स्ट्रेनर के साथ, ताकि अगर इसमें कोई लम्स रह भी गया हो तो वो इसमें अच्छी तरह से छन जाए। तो आप एक स्ट्रेनर लेकर इसे छान लें अच्छी तरह से, ताकि हमें एक स्मूथ चॉकलेट सिरप मिल जाए। तो बहुत अच्छी तरह से छान लें आप एक छन्नी के साथ, अच्छी तरह से सारा सिरप जो है उसको निकाल लें आप। और अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो आप इसे नॉर्मल टेम्परेचर आने तक रख दें। तो यहाँ पर एक बाउल में मैंने 1/2 कप दूध ले लिया, और इसमें अब मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच वनीला एसेंस का। तो इसको आप अच्छे से मिला लें वनीला एसेंस डालकर। और यहाँ पर एक मैंने बाउल ले लिया, और अब यहाँ पर ले रही हूँ मैं बिस्किट्स, ये जो आते हैं ना ब्रिटानिया के टाइगर वाले बिस्किट, चॉकलेट वाले, तो ये वो बिस्किट हैं। आई थिंक 10 रुपये का एक पैकेट आता है ये। तो ये यहाँ पर 2 बिस्किट हैं, अगर हम काउंटिंग करें तो ये 40 बिस्किट्स हैं। तो अब हम इन बिस्किट्स को लेंगे और इसे हम दूध में डिप करेंगे, ये जो वनीला एसेंस और दूध हमने जो घोल बनाया उसमें मिक्स करके इसे हम इस तरह से बर्तन में लगाएंगे। आप एक फ्लैट बॉटम वाला बर्तन ही लें, चाहे फिर वो कांच का हो या स्टील का हो, कोई भी हो सकता है। तो आप इस तरह से एक एक बिस्किट इस तरह से उसकी लगाते रहें, नीचे बॉटम में एक लेयर बना लेंगे हम इसकी। तो देखिए, मैंने सारे बिस्किट्स लगा दिए। अब जो थोड़ी सी जगह बची है यहाँ पर मैं तोड़ कर लगा देती हूँ।
इसको भी थोड़ा सा मॉइस्ट कर देते हैं हम, क्योंकि इन्हें हमने डिप नहीं किया था। तो जो बिस्किट्स हैं वो अच्छी तरह से मॉइस्ट होने चाहिए। तो दूध और उसके मिक्सर के साथ आप मिला लें, आपको कोई भी एसेंस जो भी आपको अच्छा लगता है वो मिला सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने वनीला एसेंस ही लगाना है। और अब हम इसके ऊपर एक लेयर लगा देंगे अपने चॉकलेट सिरप की, तो एक थिक लेयर आप लगा दें इसके ऊपर, अच्छी तरह से स्प्रेड कर दें। सच मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगता है ये डेज़र्ट, और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाला है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। तो चॉकलेट सिरप की बहुत थिक लेयर इसके ऊपर लग चुकी है, और यहाँ पर लिए मैंने हाफ कप अखरोट लिए थे और उसे मैंने क्रश कर लिया था। तो अच्छी तरह से आप एक उसमें मिक्सी में इसको क्रश कर लें, उसका पाउडर चूरा बना लें, और अब इसके ऊपर हम इसकी एक लेयर इसकी लगा देंगे। तो चॉकलेट और वॉलनट का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप इसे ज़रूर डालें। लेकिन अगर आप इसे नहीं भी डालना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, आप इसे वैसे ही चॉकलेट और बिस्किट्स के साथ भी बना सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर एक अच्छी मोटी सी लेयर बना दी वॉलनट पाउडर की। और अब हम एक और लेयर इसकी लगा देंगे बिस्किट्स की इसके ऊपर, तो उसी पहली तरह ही हम इसे भी रिपीट करेंगे जैसे पहले हमने लगाया था, एक लेयर बिस्किट्स की और उसके ऊपर फिर दूसरी लेयर लगाएंगे हम चॉकलेट सिरप की। बिस्किट्स लगाने के बाद हम एक और लेयर लगा देंगे चॉकलेट सिरप की, तो उसी तरह से हम एक मोटी सी लेयर बना देंगे चॉकलेट सिरप के साथ। बहुत ही यमी डेजर्ट है ये, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। और अब इसके ऊपर लगा देंगे हम फिर से अखरोट की एक लेयर। अच्छी तरह से डालें, जितना आपका दिल करे उतना डालें। तो यहाँ पर मैं बिस्किट का एक और पैकेट खोल लेती हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर थर्ड लेयर भी बनानी है, तो थर्ड वाला जो पैकेट था वो भी मैंने खोल लिया। और अब इसके साथ भी हम लेयर बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाई थी। तो इस तरह से हम इसमें इस पुडिंग में तीन लेयर्स बनाएंगे, मतलब तीन लेयर्स होंगी बिस्किट्स की, तीन लेयर्स चॉकलेट सिरप की, और तीन लेयर्स ही हम लगा देंगे अखरोट की वॉलनट पाउडर की। तो अब लगा देती हैं चॉकलेट सिरप, अच्छे से लगा लें एक मोटी सी लेयर, और अखरोट लगा देंगे ऊपर, और बनाएंगे बहुत ही यमी डेजर्ट, सबका फेवरेट। और ये जो बिस्किट बच गए हैं इनको क्रश करके ऊपर लगा देती हैं, ताकि लुक वाइज ये और भी सुंदर हो जाए और टेस्ट भी बढ़ जाए इसका और भी ज़्यादा। और अच्छी तरह से क्रश करने के बाद इसके ऊपर लगा देंगे अच्छी तरह से। और अब एक स्पून लेकर इसे अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे ताकि अच्छी तरह ये सेट हो जाए। और अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे 2.5 से 3 घंटे, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली इसे फ्रिज में रख दें सेटिंग के लिए। और देखिए 2.5 घंटे में मेरी जो पुडिंग है ये बिल्कुल रेडी हो गई है, और अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, सर्व करते हैं इसे हम। और देखिए कितनी अच्छी बनी है ये, एक इस तरह स्पैचुला के साथ आप इसे निकाल लें एक सर्विंग प्लेट में। और देखिए फ्रेंड कितनी अच्छी लग रही है देखने में, और जितनी अच्छी है देखने में लग रही है उतनी ही ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने बच्चों को एक सरप्राइज़ दें, और बदले में पाए बहुत सारा ढेर सारा प्यार। तो आप ट्राई कीजिए इस रेसिपी की, और मैं आपसे मिलूँगी एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर।